ज्वालामुखी देहरा सड़क पर बोहन चौक के पास सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी पहचान विपिन कुमार 33 के रूप में हुई है, जो ज्वालामुखी में केवल एक कंपनी में कार्यरत था। मिली जानकारी के अनुसार विपिन कुमार देहरा की ओर जा रहा था। रात को करीब 9 बजे फोन के जरिए सूचना मिली कि बोहन चौक से आगे एक एक्सीडेंट हो गया है। एक निजी बस देहरा फ्रेंड्स बस जिसे मोटरसाइकिल टकराया था। मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिस पर कार्यवाही करते हुए हमने गाड़ी को भी बॉन्ड कर लिया है। ज्वालामुखी देहरा सड़क पर बोहन चौक के पास सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार उसकी पहचान विपिन कुमार 33 वर्ष के रूप में हुई है, जो ज्वालामुखी में एक केबल कंपनी में कार्यरत था। जानकारी के अनुसार विपिन कुमार देहरा की ओर जा रहा था कि रात को करीब 9 बजे फोन के जरिए सूचना मिली कि बोहन चौक में आगे से एक एक्सीडेंट हो गया है। एक निजी बस सर्विस देहरा फ्रेंड्स जिससे मोटर बाइक टकराया था। मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी को बाउंड किया गया है और ड्राइवर को भी हिरासत में लेकर उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। मृतक की बाइक का नंबर HP39B5831 है, जो कि टक्कर के बाद उसकी मौत हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मनोहर चौधरी, ASI विजय कुमार और मुख्य आरक्षी यशपाल घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शियों के बयान भी दर्ज किए। थाना प्रभारी के अनुसार पुलिस मामले की जांच कर रही है व शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया गया है। DSP ज्वालामुखी तिलकराज ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस हादसे की जांच कर रही है। थाना प्रभारी मनोहर चौधरी ने ज्वालामुखी के बोहन में हुए हादसे को लेकर NH प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया, साथ ही इस हादसे के लिए उन्होंने उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया। आरोप है कि NH पे पड़े बड़े बड़े गड्ढे हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं और आए दिन कोई न कोई व्यक्ति अन्य खड्डों की चपेट में आने से घायल या उसकी मौत हो जा रही है। थाना प्रभारी ने हैरानी जताते हुए कहा कि इस मामले को लेकर वे खुद DSP के माध्यम से NH प्रशासन से मांग कर चुके हैं कि इन खड्डों की जल्द मरम्मत की जाए, लेकिन अभी तक हालात सड़कों के जस के तस बने हुए हैं। उन्होंने इस हादसे के लिए NH को जिम्मेदार ठहराया। कल शाम को करीब 9 बजे थाना में इत्तला आई थी कि बोहन चौक से आगे एक एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर मैं व ASI विजय तथा SC यशपाल मौके पर गए थे, तो मौके पर पाया कि एक देहरा फ्रेंड की बस जिसके साथ एक मोटरसाइकिल टकराया था और मोटरसाइकिल चालक विपिन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए हमने गाड़ी को और ड्राइवर गाड़ी को इंफॉर्म कर लिया और ड्राइवर को गिरफ्तार करके उसका मेडिकल कराया गया और तफ्तीश जो है वो ASI विजय कुमार अमल में ला रहा है। और खड्डों के बारे में मैंने खुद DSP साहब के माध्यम से जो नेशनल हाईवे के एक्शन है उनको चिट्ठी भेजी गई है कि जो NH एरिया थाना की जुरिडिक्शन में पड़ता है या जो रोड थाना की जुरिडिक्शन में पड़ते हैं उनमें सभी जगह पर बहुत बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं, जो भी एक एक्सीडेंट का कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्दी ही इन खड्डों को भर देंगे, परंतु अभी तक भरे नहीं है। दोबारा फिर इनको रिमाइंड किया करवाया जाएगा।